आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रदेश की सेना पर दिए गए विवादास्पद बयान पर राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मोहन भागवत के बयान की तीखी निंदा की है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूछा है कि क्या भारत की सेना पर आरएसएस को संदेह है, तभी ऐसी बेतुकी बयानबाजी आरएसएस प्रमुख और बीजेपी नेता कर रहे हैं। कौशल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत की सेना की तुलना आरएसएस कार्यकर्ताओं से करना गलत है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि आरएसएस भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी भारतीय सेना पर टीका टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। कौशल ने कहा कि भारतीय सेना ने आज तक देश की रक्षा बखूबी की है, लेकिन इस तरह आरएसएस नेताओं को बयानबाजी देने से पहले सोच लेना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया जो अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और भारत की जो सशक्त सेना है उसका मनोबल गिराने वाला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो 3 दिन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकती है, और आरएसएस वो संस्था है, सारा भारतवर्ष जानता है कि चाहे हिंदुस्तान की भारत सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स हों, सारी की सारी सरकारें आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं। और आरएसएस के नेता का ये बयान उन सैनिकों के लिए जो उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दे रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनका ना केवल अपमान है बल्कि सेना का मनोबल गिराने वाला भी है। एक और भाजपा के नेता जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रमुख हैं तिवारी जी, उनका भी कल सोशल मीडिया पे एक बयान चल रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। मैं भाजपा नेताओं से ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत की जो सेना है उसकी क्षमताओं के ऊपर भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कोई संदेह है? ये भारत की ही सेना है जिसने चाइना के साथ एक युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाए। तो बड़ा आश्चर्यजनक, अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है सेना के विषय में सेना की तुलना जो है वो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ करना, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से इस बयान के ऊपर ना तो कोई स्पष्टीकरण आया, ना ही कोई बातचीत इस मुद्दे के ऊपर हुई है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनका जो विश्वास है वो भारतवर्ष की सेना के ऊपर नहीं है, और वो भारतवर्ष के सेनाओं को और सैनिकों को हतोत्साहित और उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक मंच से टिप्पणी की थी कि भारतीय सेना 5 से 6 महीने में लड़ाई के लिए तैयार होगी, जबकि आरएसएस का कार्यकर्ता 3 दिन में भी लड़ाई के लिए तैयार है, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस ने इस बयान की तीखी निंदा की है।